नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल गार्डनिंग विद अभी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अमरूद के पौधे पे, छोटे से पौधे पे ढेर सारा फल कैसे लेना है। और जो पौधे हमारे फल बना तो देते हैं, पर जब वो फ्रूट की साइज छोटी होती है तो वो गिरने लग जाता है, सूख जाता है, ख़राब हो जाता है, तो उससे कैसे बचें और क्या रीज़न होते हैं उसके पीछे, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। पूरे पौधे की केयर, कंपोस्टिंग, वाटरिंग, हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। और अगर दोस्तों अच्छे से केयर करेंगे तो आपको भी देखिए इस प्रकार ढेर सारे अमरूद इस छोटे से पौधे पे तोड़ने को मिलेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। तो आइए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज़ कि अमरूद का पौधा ऐसा पौधा है दोस्तों जो बहुत ही इजी टू ग्रो है, और कोई भी न्यू, अगर आप बिगनर भी हैं तो भी आप इसे अपने छत पे जगह दे सकते हैं और इसमें ढेर सारी फ्रूटिंग ले सकते हैं। बस इसमें दो तीन चीज़ों की अगर आप केयर करते हैं तो बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग आपको इसमें मिलेगी। जैसा आप देख पा रहे हैं कि पूरा पौधा फलों से भरा हुआ है और ये सारे फल आप मैच्योर होते हुए भी देखेंगे। इनमें 95% फल मैच्योर होंगे, 2-4-5% ड्रॉप आउट हो जाते हैं क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया है। तो मैं बता रहा था कि आपको, आप इसे अपने छत पे बिगनर भी हो या प्रो लेवल के गार्डनर है तब भी इसे आप यूज लगा सकते हैं। इसके लिए जो ज़रूरी चीज़ है, पहली चीज़ मैं बताऊं कि गमले की साइज हो कम से कम 18 इंच रखिए। देखिए 18 इंच का ग्रो बैग है और इसमें यह पौधा लगा हुआ है, करीब 2 साल से फ्रूटिंग दे रहा है और अच्छी खासी फ्रूटिंग इसकी मिल रही है। इससे पहले भी इस पौधे की वीडियो चैनल पर पड़ी हुई है, आप उसे भी देख सकते हैं। तो ढेर सारी फ्रूटिंग मुझे हर साल मिल रही है इससे, तो 18 इंच के ग्रो बैग में काफ़ी अच्छे से सर्वाइव कर रहा है। दूसरी चीज़ जो इसकी मिट्टी हमें बनानी है, न्यूट्रिशन से भरपूर मिट्टी बनानी है हमें, क्योंकि ज़्यादा जड़ें इसकी दूर तक नहीं फैल पाएंगी, इसी गमले में रहनी है। तो न्यूट्रिशंस की कमी नहीं होनी चाहिए पौधे को, जितना ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा उतनी अच्छी पौधे की ग्रोथ होगी। तो इसमें हमें पहले तो जो मिट्टी बनाते हैं पौधा लगाते समय, उसमें ढेर सारे न्यूट्रिशन हमें रखने हैं, काफ़ी अच्छी मात्रा में कंपोस्ट डालनी है और उसके बाद हमें एक टाइम पीरियड के अंतराल पर कंपोस्टिंग करते रहना है। अब मैं आपको वो भी बताऊँगा कि कंपोस्टिंग कौन सी करनी है और कैसे करनी है। तो ये दूसरी चीज़ हो गई मिट्टी की। तीसरी चीज़ दोस्तों वाटरिंग की है। मैं वाटरिंग बताऊं, आम दिनों में वाटरिंग अगर इसमें थोड़ी बहुत कम ज़्यादा भी हो जाए तो चले, पर जब आपके पौधे पे फूल लग जाएं और फल बनने लगें तो वाटरिंग का खास ख्याल रखना है, खास करके इस गर्मियों में, क्योंकि जो देखिए अमरूद की जो जड़ें होती हैं वो जो फीडर रूट्स होते हैं वो ऊपर ऊपर होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ अगर, तो इसे ये देखिए दोस्तों, ये जो रूट दिख रही हैं आपको ये फीडर रूट्स होती हैं। तो इनमें क्या होता है, जो इतनी ज़्यादा गर्मी डायरेक्ट सन धूप पड़ती है मिट्टी पे, तो ऊपर की 1 से 1.5 इंच से ज़्यादा की सतह सूखी नहीं होनी चाहिए मिट्टी की। अगर उससे ज़्यादा सतह सूख जाती है तो जो फीडर रूट होते हैं वो फिर सूखते हैं, ड्राई होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से पौधे को तो कोई नुकसान नहीं होता, पौधा मरता नहीं है, पर क्या होता है पत्तियाँ पीली पड़ने लग जाती हैं, जो फ्रूट्स बन रहे होते हैं, फल बन रहे होते हैं वो ख़राब होते हैं और ख़राब होकर गिर जाते हैं। जो फ्लावर्स के और फ्रूट्स के गिरने का एक रीज़न गर्मियों में ये भी होता है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये दूसरा पौधा है मेरा, इसमें देखिए ये जो पत्तियां जलने लग जा रही हैं या फिर पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और उसमें हरापन कम हो जाता है, तो ये इसका मेन एक रीज़न होता है। तो इससे बचने के लिए आपको करना है कि आपको जो पानी की मात्रा अधिक भी नहीं रखनी है, इसमें पानी की मात्रा इतना रखिए कि जो है पौधे में कोई नुकसान ना आए, और ऊपर से 1 इंच की अगर लेयर सूखी दिखाई दे आपको तो फिर से आप वाटरिंग इसमें ज़रूर कर दें। मैं दूसरा पौधा आपको दिखाता हूँ, उसमें भी ढेर सारे अमरूद लगे हुए हैं, ये देख पा रहे होंगे आप, ये देखिए। तो इसमें देखिए मिट्टी इसकी गीली है और इसमें भी आपको उतने ही फल देखने को मिलेंगे जितने कि दूसरे पौधे में। तो इस प्रकार मैंने इसमें वाटरिंग नहीं की, सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए कि वाटरिंग कब हमें कर लेना चाहिए, क्या नुकसान है वाटरिंग ना करने का। तो ये हो गया दोस्तों वाटरिंग का। आम दिन में आप वाटरिंग कभी भी करें तो जब 1 इंच की लेयर सूखी हो तो उसमें आप भरपूर मात्रा में पानी दें जब तक कि ड्रेन आउट ना होने लगे वाटर, और उसके बाद फिर आप वेट करें जब मिट्टी सूख जाए ऊपर की, तभी वाटरिंग करें। अब उसके बाद दोस्तों जो तीसरी चीज़ है कि पौधे पे जो मिली बग्स हैं, एफिड्स हैं, इनका अटैक आता है। मैं आपको दिखाऊँ, मैंने अभी स्प्रे किया हुआ, अटैक तो मेरे भी पौधे पर आया हुआ है,
तो स्प्रे किया हुआ है और कम भी हुए हैं काफ़ी मात्रा में, देखिए यहाँ से कुछ ख़त्म हुए हैं, तो दो तीन बार और हमें इस पर स्प्रे करना पड़ेगा। तो कैसे इनसे बचना है, और ये देखिए ये जो ये फ्रूट पे लगे हुए हैं ये इस फ्रूट को पूरी तरह से ये ख़त्म कर देंगे अगर मैं इन्हें बचाऊंगा नहीं, इन्हें भगाऊंगा नहीं। तो इसका भी ख्याल रखना है आपको कि जब आपके पौधे पे फूल बनता है तभी खास करके एफिड्स या मिलीबग्स का अटैक आता है, क्योंकि फिर उन्हें वहाँ से चींटियों को रस मिलता है और वो चींटियाँ ही मिलीबग्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए ज़्यादा जिम्मेदार होती हैं। तो चींटियों को हटाना है और मिलीबग्स को हटाना है, तो मिलीबग्स कैसे हटाएं उसके लिए वीडियो चैनल पे अपलोड है, उसे आप देख सकते हैं जाके। तो इससे अपने पौधे को प्रिवेंट करना है, इसके लिए आप वीडियो अपलोड है, आप चावल की मदद से भी, बने हुए चावल के वेस्ट से भी आप इन्हें भगा सकते हैं, नहीं तो फिर आप नीम ऑयल और कोई भी हैंड वॉश या लिक्विड सोप से आप उसमें मिला के इसे भगा सकते हैं स्प्रे करके। फिर दोस्तों अब आगे आ जाते हैं, बात करते हैं कि इसके लिए हमें खाद कौन सी देनी है। तो रेगुलर आपको जो है जब इसका फ्रूटिंग सीजन होता है तो आपको महीने में एक बार काउडंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट, जो काउडंग कंपोस्ट दे रहे हैं तो काफ़ी अच्छे से वो सड़ी हुई होनी चाहिए। ये देखिए मेरा काउडंग कंपोस्ट है और बहुत ही अच्छे से सड़ी हुई है और काफ़ी भुरभुरी हो गई है। तो अगर काउडंग कंपोस्ट देना है आपको तो वो अच्छे से सड़ी गली होनी चाहिए, वो अन्यथा अगर सड़ी हुई नहीं होगी तो वो पौधों को फायदा करने के बजाय नुकसान पहुंचाती है। तो जब आपका पौधा फ्लावरिंग या फ्रूटिंग स्टेज पे है तो आपको महीने में एक बार इस प्रकार से काउडंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट देना है, और अगर रेस्ट में है तो आप उसको 2 से 3 महीने में एक बार उसे कंपोस्ट दे सकते हैं, फीड करा सकते हैं, उसके बाद फिर रेस्ट में ज़्यादा कंपोस्टिंग नहीं करनी है। और 15 दिन में एक बार गमले की गुड़ाई जरूर करें जिससे कि रूट्स को ऑक्सीजन मिलती रहे, एयर पास होता रहे और रूट्स हेल्दी रहेंगे। अब दोस्तों इसके अलावा मैं आपको बताऊं, गर्मियों में इसमें मल्चिंग जरूर कर दें, जो या तो इसमें शेड हो या फिर शेड नहीं है तो इसमें मल्चिंग कर दें, क्योंकि जो डायरेक्ट सनलाइट आती है उससे जो ऊपर की परत है बहुत जल्दी सूखती है, तो जो फीडर रूट होते हैं वो ड्राई होने लग जाते हैं। मैंने मल्चिंग अभी इसमें नहीं करी है क्योंकि यहाँ देखिए चारों तरफ से मैंने फ्रूट प्लांट लगा रखे हैं तो ऊपर से धूप नहीं आ पाती, और इधर मेरा ये ग्रीन नेट है जिसकी वजह से धूप इस पर नहीं आती है डायरेक्ट, तो इस वजह से मैंने मल्चिंग नहीं करी। अगर आपकी गमले में मिट्टी पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है तो उसकी मल्चिंग जरूर कर दें। मल्चिंग आप किसी भी चीज़ से कर सकते हैं, गार्डन की सूखी हुई पत्तियाँ या फिर कोकोपीट से कर लें, नहीं कुछ मिलता है तो आप किसी कार्डबोर्ड दफ्ती के टुकड़े काट के उससे भी मल्चिंग कर सकते हैं। फिर दोस्तों मैं बताऊं कि जब फ्रूटिंग के स्टेज पे है आपका पौधा, नई नई फ्लावरिंग आ रही है, तो उस टाइम पे आपको देना है इसमें बोन मील या फिर स्टोन डस्ट रॉक फॉस्फेट। ये देखिए ये मेरा स्टोन डस्ट है, तो इसको मैं, अगर आप बोन मील नहीं देना चाहते हैं तो उसकी जगह आप इसे यूज कर सकते हैं, और बनाना पील फर्टिलाइजर दे दें, लिक्विड फर्टिलाइजर, बनाना पील लिक्विड फर्टिलाइजर। कैसे बनाना है चैनल पे आप अपलोडेड है वीडियो, उसे जाके डिटेल में देख सकते हैं। तो ये दोस्तों फ्रूटिंग के टाइम पे पौधों की बहुत ज़्यादा मददगार होती है, जो फ्रूट ड्रॉप होते हैं या फिर फल से फूल नहीं बन पाते उनके लिए। तो आपको कैसे देना है मैं बताऊँ, ये इसको जो है एक मुट्ठी आप स्टोन डस्ट पाउडर या बोन मिल 1 से 1.5 मुट्ठी काउडंग कंपोस्ट 1 किलो ले लीजिए आप करीब, और उसमें मिला के पौधे में दे दीजिए और उसकी हल्की गुड़ाई करके फिर उसमें वाटरिंग कर दीजिए। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, इधर मेरा ये है काउडंग कंपोस्ट और इसमें मैंने करीब करीब 1 से 1.5 मुट्ठी इसको ले लिया है और इसको मिला लेंगे। तो दोस्तों इसे हम मिला लेंगे अच्छे से, और मिलाने के बाद हम इसे इस पौधे में दे देंगे। देखिए आप कंपोस्टिंग 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो आप इस पौधे की मिट्टी को हल्की हल्की गुड़ाई करके निकाल लें साइड से और फिर उसमें कंपोस्ट डाल के वापस से उसे भर दें, या फिर दूसरा तरीका जो आप अपनाते हैं वो जो मैं अपना रहा हूँ, इसकी कंपोस्टिंग करने के बाद किसी टूल की मदद से इसे हल्की हल्की गुड़ाई कर लें, और ज़्यादा डीप गुड़ाई ना करें क्योंकि जो हमारी इसकी रूट्स होती हैं वो ऊपर की सतह पर ही फीडर रूट्स होती हैं, तो हल्की गुड़ाई कर लें। देखिए देखिए इस प्रकार से हमने, और ये जो पत्ते हैं ये इसी पौधे के हैं जो सूख के इसमें गिरे हुए हैं, तो इनसे कोई नुकसान नहीं, ये सूख के इसमें वापस से कंपोस्ट बन जाएंगे। फिर इसमें हमने कर देनी है वाटरिंग, और इस प्रकार से देखिए अगर 4 लीटर ये मेरा है तो इस प्रकार से मैं इसमें करीब करीब 8 से 10 लीटर पानी अभी डाल दूंगा, जिससे कि नीचे तक की पूरी मिट्टी गीली हो जाए और जो हमने कंपोस्टिंग करी है वो पानी के साथ
डिजॉल्व होगा और जो पानी के उसमें उस जो उसका लिक्विड निकलेगा वो नीचे रूट्स में जाएगा और रूट्स उसे लेंगे और पौधा काफ़ी अच्छे से फ्रूट प्रोड्यूस करेगा। तो दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर कोई कमेंट हो, कोई सुझाव हो, तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।